सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटीआर 9 और 9C जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए फाइल करनी है उसकी ड्यू डेट 28 फरवरी 2022 जो है वो एक्सटेंडेड है। क्या ये फर्दर एक्सटेंड होगी और अगर एक्सटेंड नहीं होती है तो जीएसटीआर 9C की फाइलिंग के अंदर जो आपको इश्यूज आ रहे हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीएसटी पोर्टल पे एनुअल रिटर्न में फिलहाल यहाँ पर कोई भी ड्यू डेट जो है वो मेंशन नहीं किया जा रहा। अगर आपने पिछले 2 साल से इस चीज को नोटिस किया हो तो ड्यू डेट के नजदीक आते ही अगर ड्यू डेट एक्सटेंड होने वाली होती है, यहाँ से जो एक्सटेंडेड डेट्स हैं या जो एक्चुअल ड्यू डेट्स हैं उसको यहाँ से हटा दिया जाता है। तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि ड्यू डेट्स जो हैं जीएसटीआर 9 और 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 की फर्दर एक्सटेंड हो जाएं 28 फरवरी के बाद। लेकिन अगर ये एक्सटेंड नहीं होती है तो आपको 28 फरवरी से पहले इसकी फाइलिंग जो है वो करनी है। अगर आप जीएसटीआर 9C का जो 2021 के लिए फॉर्मेट देखेंगे वो एग्जैक्टली सेम है जो फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड रखा गया है। अब यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो आ रही है लोगों में। जैसे ये टेबल नंबर 6 है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो ब्रेकअप है, इस ब्रेकअप को किस तरीके से डालना है उसमें कंफ्यूजन है। क्या इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज को अलग अलग तरीके से डालना है या किस तरीके से जाएगा। तो यहां पर आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिएगा कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड जो आपको टेबल नंबर 6 के अंदर ब्रेकअप डालना है वो इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इन दो सब हेडिंग्स के लिए इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज के लिए इकट्ठा डाल सकते हैं इनपुट वाले हेड में। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर आपने कैपिटल गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है तो वो आपको कैपिटल गुड्स वाले सेक्शन में सेपरेटली मैंडेटरली आपको यहां पर डिस्प्ले करना पड़ेगा। अदरवाइज वो फॉर्म जो आप भर रहे हैं वो एरोनियस डिफॉल्टेड रिटर्न्स जो हैं वो मान ली जाएंगी। ऐसी ही कई सारी कंफ्यूजन जीएसटीआर 9 और 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड निकल के आ रही है जिसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 20 फरवरी 2022 यानी कि कमिंग संडे को। रजिस्ट्रेशन जल्द ही क्लोज होने वाले हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिसके अंदर हर एक पहलू पे, चाहे वो जीएसटीआर 9 का हो, 9C का हो, ऑनलाइन किस तरीके से फाइल करना है, डेटा एडजस्टमेंट, सारी चीजें इसमें आपको बता दी जाएंगी। और आप 28 तारीख से पहले अपनी रिटर्न फाइल कर लें और अगर एक हफ्ते का टाइम बढ़ता है तो आप उस एक्सटेंडेड पीरियड का बेनिफिट भी ले सकते हैं। इसी तरीके से इनपुट और इनपुट टैक्स क्रेडिट के बाद एक कंफ्यूजन ये रहता है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड जो आप जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं उस जीएसटीआर 3B के अंदर हो सकता है आपने 19-20 का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम किया हो, तो वो भी आपके टेबल नंबर 6 में जब रिफ्लेक्ट होता है तो उसको आप टेबल नंबर 6 में कैसे डिस्क्लोज कर सकते हैं, कौन सा टेबल आपके लिए अवेलेबल रहता है इस पोजिशन में। इसी तरीके से अगर आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल है तो उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्सल जो किया गया है उसको टेबल 6 में एडजस्ट करके दिखाना है या टेबल 7 में आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। तो टेबल 7 में आपको तभी सेपरेटली डिस्क्लोज करना है जब आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल का अमाउंट जीएसटीआर 3B के अंदर रिवर्सल सेपरेट तरीके से शो किया है। अगर आपने नेट ऑफ कर दिया है ऑल अदर ITC में तो वो आपको टेबल नंबर 6 के अंदर ही ऑटोमेटिकली एडजस्टेड रूप में दिखेगा, टेबल 7 को बिल्कुल भी छेड़ना या छूना नहीं। इसी तरीके से जो ऑप्शनल कॉलम्स हैं, अगर आपने ध्यान से समझा हो चीजों को जीएसटीआर 9 के रिस्पेक्ट में, तो जीएसटीआर 9 का जो हमारा सेल्स टर्नओवर है यानी कि जो टेबल नंबर 4 है, टेबल नंबर 5 है, उसके अंदर
अमेंडमेंट्स एंड क्रेडिट एंड डेबिट नोट से रिलेटेड जो डेटा है वो आपको सेपरेटली दिखाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए ऑलरेडी नोटिफिकेशंस दे दिए गए हैं जो कि हमारे वेबिनार में भी डिस्कस किए जाएंगे। तो इन सारी चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, अदरवाइज GSTR 9 अगर गलत हो जाता है तो उसका जो नोटिस आपको भेजा जाता है वो बड़ा खतरनाक नोटिस जो है वो भेजा जाता है, जिसके अंदर आपको डिफरेंसेस बताई जाती हैं और उस डिफरेंसेस का अगर रिकंसिलिएशन नहीं है तो आपके ऊपर ह्यूज डिमांड जो है वो भी बन सकती है। इसी तरीके से जो टेबल नंबर 8 है, टेबल नंबर 8 के अंदर टेबल 8D में जो डिफरेंसेस आ रहा है तो उस डिफरेंसेस को किस तरीके से आप रिकंसाइल कर सकते हैं, और अगर डिफरेंसेस आता है तो उसका क्या वे आउट है, आपको क्या वर्किंग्स करनी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक रिलैक्सेशन और GSTR 9 के अंदर दी गई है कि आपको HSN वाइज समरी, चाहे वो आउटवर्ड सप्लाई की हो या इनवर्ड सप्लाई की हो, फाइल करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों टेबल्स फिलहाल ऑप्शनल कर दिए गए। किनको फाइल करना है GSTR 9, किन्हें फाइल करना है GSTR 9C। अगर GSTR 9 की बात करें तो 2 करोड़ से ऊपर वालों के लिए मैंडेटरी है, 2 करोड़ से कम वालों के लिए एग्जम्प्ट है। अब ये एग्जम्प्ट और ऑप्शनल क्या है ये भी आपको समझना होगा। एग्जम्प्शन मतलब आपको फाइल करने का जरूरत नहीं है, लेकिन पोर्टल चूंकि अलाउ करता है तो आपको अगर लगता है कि हाँ फाइल करना चाहिए तो आप उसे फाइल भी कर सकते। 9C के केस में अगर टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको 9C भरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर 9C आपका 5 करोड़ से ऊपर जाता है तभी आपको फाइल करना है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि GSTR 9 और 9C से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए, जो कि हम लोग हर टाइम टू टाइम अपनी टैक्स मैगजीन के अंदर भी FAQs के रूप में आपको देते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड मंथली अपडेट्स मिलेंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि GSTR 9 और 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 का डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होता है तो आपको अब आगे करना क्या है, क्योंकि यहां पर ड्यू डेट जो है फिलहाल हटा दी गई है, तो हो सकता है 10% चांसेस हैं कि डेट जो है वो एक्सटेंड हो भी जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म YouTube चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।